अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी बान। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जैन, मेरे को किसी ने कमेंट किया कि आपके बच्चे से आप इंट्रो दो। मेरा इंट्रो तो क्या इंट्रो नहीं, वापस से दे। सकलेन भाई अभी रेडी हो रहे जिम के लिए, जिम जाने के लिए रेडी हो रहे और हम लोग जा रहे हैं अभी। अफशा का जिम जा रहा है ना, तो काजू बादाम तो खा के जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं अभी अफशा का ड्रेस, ईद का जो ड्रेस है वो मतलब सिलवाने ले जा रहे हैं टेलर के पास में, अफशा के बिना, क्योंकि अफशा है इधर और मैं और जन बाइक पे जा रहे, तो सिर्फ दो ही जन जा सकते हैं। तो अफशा का जो टेलर का नाप वगैरह है मतलब उसके पास है, और दो जो मेरे कपड़े ही ईद के और जो अफशा के ड्रेसेस है लाइक फ्राइडे पहनने के लिए और ये, तो वो हम लेके आएंगे और ईद का उसका देंगे। तो ठीक है, चलते हैं फिर। और अफशा कुछ बोलना चाहेंगे आप? बोलूंगी अच्छे से बोलना, टेलर को अच्छा सा कपड़ा सिए, ईद में खराब ना करे, मेरे को पहनना है। और बस ईद में मुझे अच्छा लगना है। सकलेन भाई अभी जा रहे हैं और सकलेन भाई के पीछे पीछे। सकलेन भाई इंट्रोडक्शन दे दो जरा इधर आगे। सकलेन भाई इंट्रोडक्शन देंगे ना? सुनिए सकलेन इंट्रोडक्शन देना ही नहीं आता। बोलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सकलेन। मैं हूं आप सबका सकलेन। अभी तो ना देखो, आप सबको जवाब ना पांच से जगह करूंगा ना पब्लिक वीडियो में। तुम अस्सलाम वालेकुम, मुझे बच्चा को नहीं पिसा दिया, एक अलग वीडियो बनेगा। उसके लिए बैठे ए बैठे ना। बोलो जैन भाई, जैन अभी कुछ बताने वाला था, उसकी तरफ लेट एक बात से चाहिए तो बताइए आप। क्या बताए, बड़ा है, बहुत मारी भी हुई है। बहुत बड़ी हुई है। हमारे को पूछो क्या है, क्या हमने किसको कितना परेशान किया, क्या हुआ हमारे को बताए, क्या हुआ क्या नहीं। पाँच से छह हो गए, अलग ब्लॉग बनेगा उसके। मम्मी पाँच से छह हो गए, ब्लॉग बनेगा, मेरे घर आए एक नंगी परी को कैप्चर रखना। कैप्चर आएगा मेरे घर आए एक नंगी परी। सही यार, एकदम सकला हिट है तू। फिर पाँच से छह से सात कैसे हुए? 3 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद बचे तो 15-20 दिन। कुछ बोलना चाहिए? तेरी मजाक उड़ा रही है दोनों। अभी क्या करें, अपने दिन नहीं ना, अपने 3 महीने बाद दे दीजिए। 3 महीने बाद फिर आएंगे, इधर ही आएंगे, हो जाएगा। क्या बोलता है? तो रोज दुआ करता हूँ सकल भाई के लिए, घर पे बोला हूँ की दुआ करो मेरे भाई के लिए। मैं अपने को नहीं देखे जा रही भाई की तकलीफ। पब्लिक भी परेशान होंगी किस बात के लिए दुआ कर रहे हैं। चलो निकलते, चलो बहुत अच्छे बने, चलो। सो हम लोग टेलर के पास से रात में आ चुके थे और उसके बाद में मैंने चेक किया कपड़े के, टेलर ने कैसे मेरे कपड़े सिया, तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े अच्छे सिए गए हैं। और फिर अभी वही मैं रात बहुत रात हो गई थी हमको वहाँ से आने के बाद भी, और फिर कुरान और सब नमाज पढ़ते टाइम लेट हो गया। सो अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं अभी जो कपड़े हमारे डेली रूटीन के जो हम धोते हैं फिर सुखाते हैं और सुखा के लाने के बाद उसको फोल्ड करके कबर्ड में रखते हैं, तो बस वही कर रही थी। तो मैं सोची चलो आपसे शेयर करें कि कैसे करके आप फोल्ड करके ऐसे कबर्ड में रख सकते हैं ताकि आप जब भी निकालोगे ऐसे लगना चाहिए कि वो इस्त्री करे हुए हों, तो और रखने में भी अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कबर्ड के मैं कैसे उसको रखती हूँ, तो ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब इस्त्री करके रखती है कि कपड़ों को, तो मैं बोलती नहीं मैं इस्त्री नहीं की, मेरी फोल्डिंग ही ऐसी है कि ऐसा लगता है कि इस्त्री करके रखें। तो चलिए मैं आपको भी दिखाती हूँ कि आप कैसे उसको रख सकते, पहनने में भी अच्छे रहेंगे अब तभी निकालो तो, और लुक वाइज में भी अच्छे रहते, कबर्ड भी ऐसा लगता है क्लीन बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए ऐसे मैं अफशा के रूम में भी कबर्ड में उसके भी कपड़े ऐसे ही रखती हूँ, और सकलेन और जैन के तो कपड़े ज़्यादा करके वो कपड़े उनके ऐसे ही लटके हुए रहते, तो बाकी पेंट वगैरह मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने कपड़ा लिया है ना मेरा, तो अभी मैं बस रख रही हूँ। तो ये देखिए आप इसको, अभी मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं आपको ऐसा पूरा नहीं दिखा सकती हूँ, बट अभी ये देखिए बस आप इसको अच्छी तरह से ऐसा फोल्ड करिए, ये फोल्ड हो गया है, और बस थोड़ा ऐसा हाथ कर देना, उसके बाद आप इसको ऐसे कर दो, और उसके बाद ऐसा कर दो,
और इसके अंदर दुपट्टा आपका फोल्ड करके रख दो, आपका सलवार फोल्ड करके रख दो, और थोड़ा सा ये कट में करके फिर आप इसको अंदर की तरफ ऐसे कर दो, और आप इसको अंदर रख दो। आइए मैं आपको मेरा कबर्ड दिखाती हूँ, ये देखिए। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी फुर्सत है इसको, इतनी फुर्सत से फोल्ड करके रखती है। तो ऐसा है कि अगर हमको जो भी काम है हम पहले वो काम पटा दे, और जब हम बैठे हैं खाली टाइम पे ऐसा लग रहा है कि हमारे पास कोई काम नहीं है और हमको कपड़े घड़ी करके रखने हैं, वो टाइम पे आप घड़ी कर दीजिए, या हाथों हाथ जो भी आप काम कर रहे हो तो भी टाइम नहीं लगता। ऐसी फुर्सत से करती नहीं हूँ मैं, मतलब ऐसा है आप लोग को ऐसा लग रहा होगा इतने अच्छे से रखे तो मैंने फुर्सत से किया है, नहीं, आप उसको उस लिमिट में भी फास्ट फास्ट कर सकते हैं। हाँ, पहले मुझे बहुत टाइम लगता था कि मैं स्टार्टिंग में रख रही थी, अब अभी हैबिट हो गई है तो मैं वो चीज़ को, अभी तो मेरे हाथ में मोबाइल था, शूट कर रही थी इसलिए मैं आपको प्रॉपर दिखा नहीं पाई हूँ, बट आप उसको अच्छी तरह से मतलब रखोगे, फटाफट ऐसे झटको और फटाफट ऐसे फोल्ड करो और आप फटाफट रख सकते हो। तो कोशिश करिए कि अपना कबाड है तो अच्छे से ही रखें, और जो नहीं रखता है तो मेरी मुझे ना मतलब कबाड़ में कपड़े भी एकदम अच्छे रहना चाहिए, हर सामान अपनी जगह पर अच्छा रहना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ तो अच्छा भी लगता है। मैं बच्चे मेरे छोटे भी थे तो कबाड़ में से अगर मैं रखती थी और वो लोग निकालते तो मैं उनको बताती ऐसे नहीं ऐसे करके निकालो उसको, तो जाके नीचे की भी फोल्डिंग है वो ख़राब ना हो, अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। तो आप भी करिए, जो अपने कबर्ड्स को ऐसे मैसअप जो एकदम मैस और ऐसे मतलब ऐसे कपड़े डाले और फिर निकाले घिर रहे कपड़े वो मत कर दिए प्लीज़, अच्छा रखिए, और रखेंगे तो और अच्छी बात है, आपको हर चीज़ जगह पे मिलेगी। कभी ऐसे कोई कोई फोल्ड करके रख देते हैं तो उनको कबर्ड में दुपट्टा वगैरह होता है, सलवार वगैरह होता है, फिर प्रॉपर मिलता नहीं, उसकी वजह से पूरा कपड़ा और गिराना पड़ता है। तो कोशिश करिए कि आप भी अच्छे रखने की, आप भी अच्छे रखेंगे, और हाँ बस यही मैं बोलना चाहती हूँ। तो चलिए फिर मैं अभी जितने कपड़े रखती हूँ और जो मैंने अपने टेलर से भी कपड़े सिलवा के लाए वो भी मैं रखती हूँ। अफसरा बोलिए, अफसरा आ गई है जो ऑफिसर, अफसर तुम्हें क्या लेकर आई हो? माशाल्लाह जैन भी नमाज पढ़ रहा है, आमरस लेकर आई है। कहाँ से लाए आमरस? चेंबूर से। खा देते, कैसा लगा टेस्ट में? अच्छा पापा, टेस्ट में अच्छा है? हाँ अच्छा लगा, खाते जा रहे, बोल भी ना रहे अच्छा है कि नहीं अच्छा, बस खाते जा रहे खाते जा रहे। ए, 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 ए। उसको टिश्यू से पोंछ दो, टिश्यू से पोंछ दो उसको, टिश्यू दो। आमरस है, आमरस खा के देखो, अफसर लेकर आए अम्मी, लो खा के देखो आमरस कैसा, अच्छा है? अच्छा, जैन पी के देखने के नमाज होगी, उसके बाद जैन खा के देखेगा। नमाज हो गई, शक्कर भी डालते ना इसमें से, देख जैन शक्कर डालते हैं ना, सकलन जिम गया, सकलन नहीं आएगा, सकलन जिम में एक बार तो नहीं आएगा। तो ये अभी हमारे जो पार्सल है वो अभी रेडी हो रहे हैं जाने के लिए, सब डिब्बी अभी रेडी हो गई है, अभी हम लोग नमाज पढ़ने ही बैठे तो मैं मम्मी का ब्लॉग जो है मैं कंटिन्यू करती हूँ, तो क्योंकि मम्मी अभी जो है नमाज़ पढ़ रही है, मेरी माँ नमाज़ पढ़ रही है अभी, तो अभी ये अभी सब डब्बे फिल करके जितना भी माशाल्लाह से जो ऑर्डर है मेरे को डब्बे, एक डब्बा तो फिल, क्या फटक से फिल करके दिए यार अपन, तो एक डब्बा तो फिल भी हो गया देख सकते हो आप लोग। तो ये 20 ग्राम्स का है और अभी रमज़ान ऑफ़र भी है, तो जाओ जल्दी जल्दी बुक करो, अपना जो मैसेज करो बुक करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए मैसेज कीजिए। और अब ऑफ़र क्या चल रहा है अभी ऑफ़र? हाँ तुम्हारे को तो पता है ना, तुम बोलो ना। ऑफ़र एक्चुअली ये है कि हम लोग अभी 1700 में दो डिब्बी दे रहे हैं इंक्लूडिंग शिपिंग, तो ये रमज़ान का ऑफ़र है, तो जल्दी जल्दी जाओ और बुक करो अपना अपना
क्रीम के लिए जल्दी जल्दी बुक करो, बिकॉज ईद में चमकना है ना सबको, जल्दी जल्दी बुक कीजिए। और अब्बा तुम तुम्हारी बाकी की डब्बे जो है वो फटाफट फटाफट पैक करो, और मैं आधी नमाज मेरी कंप्लीट करके इनको डब्बी बन गई। अब ऐसे साइड से भी क्लीन करो, अच्छा लगता है। तो शिपिंग ऑल ओवर इंडिया, जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, ऊपर से लेके नीचे तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, जिधर भी है शिपिंग ऑल ओवर इंडिया है। तो फटाफट बुक कीजिए, ऑफर में दे रहे हैं हम दो क्रीम एट 1700 ओनली। जल्दी जल्दी बुक करो क्योंकि ऑफर सिर्फ थोड़े दिनों तक है। और बाकी मैं आपको मिलती हूँ, अभी मम्मी बाकी का ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करेंगी, जब तक ये डब्बे हम लोग फटक से फुल कर देते हैं। चलिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी नमाज हो गए हैं और हम ऑल सेट है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हम सब बैठे थे और आम रस खा रहे थे, और अभी हम दो मिनट पहले रेडी भी हो चुके हैं। हम जा रहे हैं टाउन, और टाउन जाएंगे, वहाँ पे सैरी करेंगे, थोड़ा ऐसी ही मजा मस्ती करेंगे और फिर आ जाएंगे घर पे। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, वो ब्लॉग आएगा अफशा के चैनल पे, तो आप जाना और देखना कि हम कैसे मस्ती करेंगे। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग कौन कौन जा रहा है, हम लोग में से मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और जैन और अफशा, क्योंकि सकलेन जिम गया है वहाँ पे ट्रेन करने के लिए, सब रोज़ा के बाद में ज़्यादा करके आते हैं ना, तो उसके लिए वहाँ गया है, तो वो शायद नहीं आ पाएगा, उसको दो बज सकते हैं तो इसलिए वो नहीं आएगा। कोई बात नहीं, चलो हम फिर जाएंगे साथ में। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ब्लॉग यहीं पे, मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो मैं मेरे ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।